आज मेरा उनका सब्र और शुक्र करें अल्लाह के दिए हुए बर्बादी होगा। अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा सब्र करता है, कुरान मजीद में फरमाया है इन अल्लाह का मास साबिरी, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हर इंसान दो मरहलों से गुजरता है, किसी पर कभी सब्र की कैफियत आती है, किसी पर कभी शुक्र की कैफियत आती है। अल्लाह किसी को माल देता है, माल ज्यादा आ जाता है, वो शुक्र करने वालों में से होना चाहते हैं। किसी के पास पैसे नहीं है, माल नहीं है, सब्र करने वालों में होना चाहते हैं। अल्लाह किसको सेहत देता है, शुक्र करने वालों में होना चाहते हैं। जो बीमार है, सब्र करने वालों में होना चाहते हैं। और फरमाया कि ऐसे हालात कल किसी के ऊपर आते हैं, गुर्बत भी देकर अल्लाह देखता है, माल देकर भी अल्लाह देखता है। जिसके पास पैसे आ गए, माल आ गया, वो शुक्र करता ही करता है। बड़ी बात तब है जब गुर्बत हो, माल नहीं है, पैसे नहीं है, जब सफर करने वाला तो है। अल्लाह फरमाता है मैं उसके साथ दुआ करता हूँ, अल्लाह फरमाता है मैं उसके साथ होता हूँ जब बंदा सफर करता है। जिमिश की जामा मस्जिद है, जुमे की नमाज है, नमाज से फारिग होकर बाहर निकले तो देखते क्या है कि चप्पल चोरी हो गई, चप्पल साफ नहीं है। वहां से नंगे पैर बाहर निकलते हुए आगे बढ़ गए, दिल में ख्याल आया कि मैं इतना बड़ा इमाम हूँ। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आया कि मैं का इतना बड़ा इमाम और जेब में पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए, नंगे पैर बाजार में जा रहा हूँ। दिल में ख्याल आया ही था, नजर पड़ती है कि कोई शख्स है, माजूर है, उसके पैर नहीं है, उसके दो भी पैर नहीं है। जैसे ही देखा कि उस शख्स के पैर नहीं है, सजदा रेज हो गया, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। फरमाया कि अपने ऊपर वालों को ना देखो, अपने नीचे वालों को देखो, अपने से अमीर को ना देखो, गरीब को देखो। अगर अपने से ऊपर वालों को देखना ही है तो इबादत में देखो कि बंदा उससे आगे इबादत करता है, इल्म में देखो कि ये उससे बढ़कर इल्म रखने वाला है। सहाबा इकराम की आदत थी कि वो इल्म में देखते, इबादत में देखते, नमाजों में देखते कि ये मुझसे ज्यादा नमाजें पढ़ने वाले, इनमें कम पढ़ने वाला। तो फरमाया कि नीची निगाहें रखा करो, आसमानों की बुलंदियों पर अपनी निगाहों को रात भर न दिया करो। फरमाया कि जब बंदा शुक्र करते हुए अपने नीचे वालों को देखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको माल की अता फरमाता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला रावी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस पाक में, जो अल्लाह के लिए है थोड़े रिज्क पर राजी हो जाता है, फरमाया अल्लाह उसके थोड़े आमदन पर राजी हो जाता है। जो बंदा अल्लाह के थोड़े बात पर राजी हो गया, अल्लाह के थोड़े आमदन पर राजी। फरमाया कि बंदे को चाहिए कि अल्लाह का हर वक्त शुक्र गुजार रहे, शुक्र अदा करें कि अल्लाह से देखने के लिए आंखें अदा फरमाई, शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने ये जबान अदा फरमाई जिससे बात कर सकते हैं, अल्लाह ने कान दिए जिससे सुनाई देता है, नाक दी जिससे सूंघ सकता है बंदा। फरमाया कि जबान पे जाहिर में अल्लाह ने रखे, हाथों में ताकत और कुव्वत अल्लाह ने दी, पैरों में चलने की ताकत अल्लाह ने दी, जिस्म में ताकत और कुव्वत अता फरमाई, समझ व बुद्ध अता फरमाई, ये तमाम तर नेमतें अल्लाह के लिए। फिर अल्लाह ने मुसलमान बनाया, उसी के साथ साथ आपके करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ने पैदा फरमाया। ये अल्लाह की दी हुई इतनी नेमतें हैं, बंदा जिंदगी भर शुक्र अदा करे तब भी कम है। बंदे को चाहिए कि हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करे, शुक्र करता रहे, कुछ बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, मुश्किल आ जाए, मुसीबत आ जाए तो अल्लाह का सब्र भी करे, सब्र भी करे बंदा, अल्लाह सब्र से आजमाता है। जो बंदा साबिर है, सब्र करने वाला है, देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे सब्र आता, कैसे कैसे असनाफ बड़े बड़े गुजरे हैं कि अल्लाह ने उनको माल देकर भी आजमाया, माल छीन कर भी आजमाया,
शहर देकर भी आजमाया, मदीना भी देकर भी आजमाया, तो चाहिए कि अल्लाह के दीन पे पर सब्र करे, अल्लाह के दीन की नियामतों का शुक्र करे। ये मुसलमानों का तरीका है, यही हमारे असलाम।